दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर, आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिल्में हमारे समाज में मनोरंजन का मुख्य माध्यम रही हैं, उसी तरह से फिल्मों से जुड़ी बातें भी हमारे देश में प्राइम टाइम की खबरें बनी रहती हैं। फिल्मों से जुड़े किस्से कहानियां सुनने में सबको बड़ा मजा आता है, और अगर ये किस्से कहानियां सही हों, सच्चे हों, तो बात ही कुछ और हो जाती है। आज भी कुछ रोचक मगर सत्य कथाएं लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज मैं सुनाऊंगा ग्रेट सिंगर तलत महमूद साहब के बचपन का एक वाकया, जब वो एक बार स्टेज पर गाते गाते घबरा गए। घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई और हूटिंग होने लगी। हूटिंग की वजह से वो इतने मायूस हो गए, इतने डर गए कि उन्होंने पब्लिक के सामने गाना बंद कर दिया। ये कहानी भी आज के शो में, और बताऊंगा कि किन शर्तों पर शमशाद बेगम जी को उनके वालिद साहब ने प्रोफेशनली गाने की इजाजत दे दी। किन शर्तों पर, ये शर्तें क्या थी, और शमशाद बेगम ने कितना इन शर्तों का पालन किया, ये कहानी भी आज ही। इसके अलावा आज बताऊंगा राज कपूर की फिल्म संगम के उस गीत के बारे में भी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और रशियन भाषा के शब्दों का उपयोग किया गया है। ये गीत कौन सा था और इस गीत के बनने की कहानी भी आज के ही शो में। साथ साथ आज एक टीजर के माध्यम से गुजराती के वरिष्ठ लेखक रजनी कुमार पंड्या की पुस्तक आपकी परछाइयां से लिया गया एक विवरण, एक कहानी, एक हिंट, जिसमें रजनी कुमार पंड्या ने अपनी किताब आपकी परछाइयां में ये लिखा है कि ग्रेट एक्ट्रेस नरगिस और नेहरू परिवार के बीच में क्या पारिवारिक रिश्ता था। रजनी कुमार पंड्या की किताब आपकी परछाइयां का रेफरेंस है, पूरी कहानी उसमें है, लेकिन फिर भी मामला थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए हमारी रिसर्च टीम हर एंगल से शोध करने की कोशिश कर रही है। तलत महमूद साहब लखनऊ के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अलीगढ़ में पूरी की, जहां वो अपनी फूफी बुआ के साथ रहते थे। पढ़ाई के साथ साथ वो भातखंडे विद्यालय से गायन भी सीख रहे थे। उस जमाने के ज्यादातर गाना सीखने वालों की तरह वो भी सहगल के गाने से बहुत प्रभावित थे और उनको इमिटेट करने की कोशिश भी किया करते थे। उनकी कोशिश, उनकी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आती थी, और अक्सर तलत साहब को उनके जानकार, रिश्तेदार शादी, जन्मदिन जैसे घरेलू कार्यक्रमों में गाने के लिए दावत दिया करते थे। एक रोज की बात है, उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में बुलवाया गया और फरमाइश की गई कि गालिब की कुछ गजलें सुनाएं। उस वक्त तलत साहब 14-15 साल के रहे होंगे। सो सबसे पहले तलत महमूद ने मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की गजल पेश की, नुकता ची है गमे दिल उनको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। गाना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही वो इसी गजल के एक शेर पर पहुंचे, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। जब ये मिसरा गाने की बारी आई तो वो अचानक ब्लैंक हो गए और इसकी अगली लाइन भूल गए। ब्लैंक होने की वजह से शायद थोड़ा सुर से भटक भी गए, सुनने वाले थोड़े से इम्पेशेंट हो गए, और उसी इम्पेशेंस में किसी ने सीटी बजा दी। एक सीटी बजी, दूसरी सीटी बजी, सीटियां बजने लगीं और देखते देखते हूटिंग शुरू हो गई।
14-15 साल का बालक तलत महमूद, ये मंजर देखकर इस हालत से हालत उनकी इतनी खराब हो गई कि वो स्टेज पर ही रोने लगे। कुछ लोग उन्हें स्टेज से बड़ी मुश्किल से उतार कर नीचे लाए, हिम्मत बंधाई, लेकिन तलत महमूद का हाल तो बेहाल हो चुका था, खौफ घर कर गया। इसी माहौल में किसी ने तलत से यह तक कह दिया कि गाना नहीं आता तो स्टेज पर गए क्यों। इसी माहौल में किसी ने तलत से यह तक कह दिया कि गाना नहीं आता है तो भाई स्टेज पर क्यों गए, कसम खा लो आज के बाद स्टेज पर नहीं जाओगे, पब्लिक में नहीं गाओगे। वो माहौल, वो हुटिंग, वो मायूसी, और उस आदमी की पब्लिक में गाना नहीं गाने वाली बात, तंज तीर की तरह चुभ गया तलत के दिल में। और नतीजा यह हुआ कि अब वो संगीत और गाने के नाम से ही डरने लगे, हर फंक्शन में जाने से बचने लगे। खौफ बैठ गया कि पब्लिक के सामने गाना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में बालक तलत को हिम्मत दिलवाई बुआ जी ने, फूफी ने, बड़ा समझाया, मनाया। फूफी की वजह से तलत साहब का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही जब वो लखनऊ लौटे तो फूफी ने अपने भाई पर, यानी कि तलत साहब के वालिद पर, दबाव डाला और दबाव डालकर उनका एडमिशन मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में करवा दिया। वो वक्त वक्त पर अपने भतीजे तलत की हौसला अफजाई करती रहीं, हिम्मत बढ़ाती रहीं, और धीरे धीरे तलत महमूद, तलत महमूद द स्टार बन गए। नुक्ता ची है गम दिल, उसको सुनाए न बने। नुक्ता ची है गम दिल, उसको सुनाए न बने। क्या बने बात जहां, बात बनाए न बने। नुक्ता ची है गमे दिल। वापस आकर बताऊंगा किन शर्तों पर शमशाद बेगम को उनके वालिद साहब ने प्रोफेशनली गाने की इजाजत दे दी। शमशाद जी की ये कहानी बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।